नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों कल से 1 नवंबर है और ये जो है काफ़ी वित्तीय संकट आने वाला है हम सबके ऊपर। देखिए, हर कोई अपना काम चलाने के लिए लोन लेता है बैंक से या फिर किसी से उधार लेता है। तो जिसने उधार लिया हुआ है उसका तो काम चल जाएगा, लेकिन जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है शायद उसका ना चल पाए, क्योंकि आपकी जो EMI है वो अब थोड़ी सी बढ़ने वाली है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो US फेडरेशन है तो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी जो दर होती है इंटरेस्ट की वो बढ़ाने वाले हैं, जिसका जो असर है बाकी देशों पर भी देखने के लिए मिलेगा और हिंदुस्तान पर भी देखने के लिए मिलेगा। इस हफ्ते जो है RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल है उसकी मीटिंग है और इसमें जो है अहम फैसले लिए जाने वाले हैं। तो जिसने भी जो है पर्सनल लोन लिया हुआ है उनकी तो भाई लग जाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, देखिए, अपना काम चलाने के लिए लोन तो लेना पड़ता है। लोन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, एक सेफ होता है और एक अनसेफ होता है। सेफ वाले में कोई भी चीज़ जो है गिरवी रख करके या उसके एवज में हम लोग लोन लेते हैं तो हमको इतना डर नहीं होता है, लेकिन उसकी जो है जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है क्योंकि वो सेफ है, क्योंकि उनको बैंक को मालूम है कि भाई हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। दूसरा होता है अनसेफ, जैसे कि पर्सनल लोन आ जाता है उसमें। उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आपको लोन मिल गया है। ठीक है, तो आपने कुछ गिरवी नहीं रखा है, तो ऐसे में क्या करता है, बैंक रिस्क लेता है। तो रिस्क बड़ा होने की वजह से उसकी जो है इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, ये आप सबको मालूम होगा। तो अभी जो पर्सनल लोन वाले हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। कल से जो है दिल्ली में बिजली की जो सब्सिडी है वो भी नहीं मिलेगी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, हाई बिजली चिल्ला रहे थे, तो कल से जो है वो बंद हो जाएगी। और गैस सिलेंडर के जो दाम है कल से चेंज होने वाले हैं, तो अगर आपने बुक नहीं किया है तो बुक कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ना बदलें, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ, कम तो होने से रहे ये बात पक्की है। ठीक है, मैं ये जो डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं गैस सिलेंडर उसकी बात कर रहा हूँ। और जो IRDAI है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, वो कल से इन्होंने क्या किया है कि जो KYC है वो बहुत ज़रूरी कर दिया है, सबको KYC करवाना है, जो नहीं करवाएंगे उन पे जो है दिक्कत हो सकती है। तो आपने अगर KYC करवा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने इंश्योरेंस जो करवाया हुआ है उसकी आपने KYC करवा लेनी है। ये कुछ नियम है जो कल से चालू होने वाले हैं और इन्हीं से ही जो है आपकी जेब पर असर पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे कम होम अभी उसकी बात करूँ, जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है, कार लोन लिया हुआ है या हो जो है अपना पढ़ाई के लिए लिया हुआ है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन पर्सनल लोन वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर सबसे कम अभी जो है वो आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, बाकी सबके ज़्यादा हैं। और रेंज की मैं बात करूँ तो 8.5% से लेकर के 17% तक ये जो है लोन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंक के डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आपका कौन सा बैंक है देख लेना। अभी रेपो रेट भी बढ़ सकती है, इसकी पूरी पूरी आशंका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने RBI से जवाब मांगा है कि भैया ये बताओ महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया है। तो अभी पहले बढ़ाई थी जब मैंने वीडियो बनाई थी एक, और अभी फिर बढ़ाने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा सब लोग। महंगाई जो है कैसे कंट्रोल होगी देखेंगे। तो अपना पैसा अपनी जेब में रखें, महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी, नहीं होगी वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए सारा पैसा, तब जा करके कमाई जो महंगाई है वो कम होगी। तो दोस्तों चलता हूँ, ये अपडेट देनी थी आपको। बाकी आज योगी जी आए हुए हैं ग्रेटर नोएडा में और 15 प्रोजेक्ट हैं उनका जो है शिलान्यास नहीं मतलब लोकार्पण करेंगे वो। ठीक है, डाटा सेंटर जो बनाया है जिसकी मैंने एक बार पहले बहुत पहले वीडियो बनाई थी वो बन के तैयार हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इससे काफ़ी असर भी पड़ेगा जो लोकेलिटी है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ग्रेटर नोएडा का और जेवर का। जेवर में की बात बताऊँ तो जेवर अथॉरिटी ने भी एक अपडेट दिया है कि भाई जितने भी तालाब घेर के बैठे हुए हैं ना लोग, भैया उनको खाली कर दो, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको सब लोग जिन्होंने मकान बना लिए हैं या अपने पशुओं के लिए मिट्टी डाल डाल के वहाँ पे तालाब खत्म कर दिए हैं, ये अब UP में चल ही रहा है, सब जगह चल रहा है। ठीक है, तो सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, फ्री की नहीं है ना भैया, तालाब किस लिए बनाए जाते हैं, पानी कहीं तो जाएगा। तो ये अपडेट थी अपने NCR के रिगार्डिंग और आपके वित्तीय संकट के बारे में। चलता हूँ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद। और जाते जाते वेलसुन फार्मेसी को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।